राहुल केल फ्रॉम डाइविंग क्रिकेट यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड T20 देखने, जो कि है दिल्ली में। और ये वीडियो मैं अपने रूम से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया था नीचे जाके बनाने का, लेकिन इतना शोर, इतना ट्रैफिक, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो आई थॉट वापस रूम में जाके ही बनाता हूँ। और तुम लोगों से कुछ और बात भी करनी है। इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 80 रील्स टेक डाउन हो गई ड्यू टू सम रीजंस, मतलब बेसिकली कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया उन पे। तो मैंने यूट्यूब पे बात किया कि यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं होगा। तो यूट्यूब टीम ने बोला कि यू नेवर नो, स्पोर्ट्स इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। तो जब तुम ब्लॉग कर रहे हो तो यू नेवर नो किस बात पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, बट होपफुली ना आए। और अगर आ भी जाए तो इट्स फाइन, हमने ट्राई किया वीडियोज बनाने का, कुछ नया ट्राई, तो इट्स ओके। बट अभी के लिए क्या करेंगे कि थोड़ा कॉन्टेंट को ट्वीक करेंगे कि जो हो गया पीछे इट्स फाइन, अभी आगे थोड़ी कॉशियस रह के वीडियो बनाएंगे। मतलब मैं तुम्हें ज़्यादा अभी मैच नहीं दिखाऊंगा। आई ट्राई टू गिव यू मोर अबाउट एन एक्सपीरियंस कि एक मैच देखने का एक्सपीरियंस किस तरह होता है। बाकी होपफुली तुम लोगों को ये भी पसंद आए जिस तरह से तुम लोगों को लास्ट वाला कॉन्टेंट पसंद आया था। बाकी चलते हैं सीधा फिरोज शाह कोटला। आई नो कि स्टेडियम का नाम चेंज हो गया, इट्स टू सम पॉलिटिशियंस नेम, लेकिन मेरे माइंड में वो फिरोज शाह कोटला ही आता है बार बार। सो लेट्स गो टू कोटला एंड सी हाउ द गेम पैन्स आउट। सो हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड। और ये जो मेरा सीट है ये है स्टैंड नॉर्थ वेस्ट थर्ड फ्लोर, एंड ये टिकट मेरे को समवेयर अराउंड 2000 का पड़ा। एंड इस स्टैंड में ये जो टिकट है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मील भी है और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी है। तो वो हम मिड इनिंग में देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। बट इफ टॉकिंग अबाउट द सीरीज, तो इंडिया ने पहला गेम कन्विंसिंगली वन साइडेड जीता था, एंड प्रोबेबली आज भी कुछ वैसा ही करेंगे अनलेस एंड अनटिल बांग्लादेश कुछ फाइट दिखाता है। बट यू नेवर नो, T20 मैच है। T20 मैच में अगर एक अच्छा प्लेयर बैटिंग कर जाए या बॉलिंग कर जाए तो मैच बदल सकता है। बाकी चलते हैं अपनी सीट पे। एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि ये जो सीट है ये एलोकेट नहीं होगी, मतलब तुम्हारी टिकट पे लिखा नहीं होगा कि कौन सी सीट पे तुमको बैठना है। जस्ट कम अर्ली एंड हैव अ सीट। बाकी ये है ग्राउंड और मैं तुम्हें मिलता हूँ टॉस पे। तो बेसिकली टॉस जीता बांग्लादेश ने एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, जो कि फेयर इनफ था क्योंकि बाद में दिल्ली में ड्यू बहुत आती है, तो दैट्स अ गुड डिसीजन। तो लेट्स सी इंडिया बैटिंग किस तरह के करता है। प्रोबेबली दे नीड टू स्कोर 180-190। So let's go to India's batting then. तो इंडियन ओपनर्स ने एक्चुअली काफ़ी बुरा स्टार्ट किया। सबसे पहले बैटिंग करने आए अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन, एंड दे बोथ गॉट आउट वेरी चीपली। और कभी कभी तो मेरे को होता है यार, संजू को इतने चांस मिलते हैं बट ही नेवर कन्वर्ट्स देम। विकेट को देख के ऐसा लग रहा था कि विकेट इज वेरी ईजी टू बैट, बट नेवरदलेस। सो सबसे पहले संजू आउट हुआ, उसके बाद अभिषेक शर्मा भी आउट हो गया, एंड देन इट वॉज अ टर्न ऑफ सूर्य कुमार यादव टू गेट आउट, एंड हियर्स इज हिज विकेट। तो जल्दी 3 विकेट लूज करने के बाद बैटिंग करने आए रिंकू सिंह एंड नितिश कुमार रेड्डी, एंड दोनों ने क्या बैटिंग करी, एंड हियर आर सम शॉट्स फ्रॉम देयर इनिंग्स। Nice.
और इस शॉट के साथ रिंकू सिंह ने अपनी 50 कंप्लीट करी एंड इसके साथ ही नितिश रेड्डी ने भी अपनी 50 कंप्लीट करी एंड ऑनेस्टली ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर। अगर नितिश रेड्डी की बात करें, आई मीन मेरे को लगता नहीं था कि इतना टैलेंटेड प्लेयर है, बट वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ फ्रॉम हैदराबाद, सो ही ऑलवेज सेज कि नितिश रेड्डी इज़ एन अमेजिंग टैलेंट एंड टुडे ही एक्चुअली शोड कि वो कितना अच्छी से बैटिंग कर सकता है जब टीम ट्रबल में हो। एंड इस सिंगल के साथ नितिश रेड्डी ने भी अपनी 50 कंप्लीट करी। तो लास्ट ओवर में इंडिया ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, कुछ खास रन्स बनाए नहीं, लेकिन जो रन्स ऑलरेडी बोर्ड पर लगे हुए थे दैट वाज आई फील मोर देन इनफ। इंडिया ने 20 ओवर में दे स्कोर्ड समवेयर अराउंड 220 और आई फील ये बहुत बड़ा टोटल है। बांग्लादेश इज सर्टनली आउट ऑफ द गेम। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ मिड इनिंग्स में। आई मीन गाइज, अभी फर्स्ट इनिंग एंड हुआ है एंड इंडिया ने बनाया है 220। आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज़ तुम लोग को आ रही होगी या नहीं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है एंड 220 बहुत ज़्यादा होता है और बांग्लादेश चेज नहीं कर पाएगी फॉर श्योर। स्पेशली नितिश रेड्डी एंड रिंकू सिंह ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी एंड देन केम हार्दिक पांड्या विद द फिनिशिंग टचेस। और अभी मैं लाइट के नीचे आके वीडियो बना रहा हूँ एंड लेट्स होप कि इंडिया इजीली ये ख़त्म करे, इट्स गोना बी वन साइडेड फॉर श्योर। तो चलते हैं सीधा चेज पे, बट There is complimentary meal also, so I'll show you that as well first, and उसके बाद चलते हैं चेस पे। तो ये है मेरा complimentary meal, बाकी बहुत सारी options हैं, तुम लोग choose कर सकते हो and there's a drink as well, और ये सब तुम्हें मिलेगा ground floor पे। बाकी let's head to the chase and see कि India किस तरह से bowling करता है। And जैसा मैंने तुम्हें mid innings में बताया था कि 220 is बहुत ज़्यादा score, Bangladesh कभी नहीं बना पाएगा। And that's what exactly happened. They kept losing their wickets. और ऐसा लग रहा था that वो chase क्या वो 150 भी नहीं कर पाएंगे and exactly उन लोगों के साथ वही हुआ. They kept losing wickets on regular intervals. And here are few wickets. तो इस इनिंग्स में ज़्यादा कुछ तो देखने था नहीं, लेकिन मयंक यादव की बॉलिंग देखने में एक्चुअली बहुत मज़ा आया। जिस तरह से वो हाइप्ड अप है कि वो बहुत तेज़ बॉलिंग करता है एंड एक्चुअली ही इज़ वेरी क्विक। और मयंक यादव काफ़ी अच्छी स्पीड्स जनरेट कर रहा था, 150 के आसपास तो नहीं बट 145 के आसपास डाल रहा था। और इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स भी नितिश रेड्डी ने लिए और बैटिंग तो कमाल करी ही। एंड ये था लास्ट बॉल, इसी के साथ इंडिया ने ये सीरीज इजीली जीत ली एंड ऑनेस्टली माय मैन ऑफ द मैच हैज़ टू बी नितिश रेड्डी। जिस तरह से इंडिया को उसने उस फेज से निकाला जहाँ पर इंडिया वॉज लाइक 40 for 3 एंड दैट वॉज द रैप ऑफ द सीरीज। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया है डू लीव अ लाइक एंड आई एम सॉरी अगर मैंने इसमें क्रिकेट कम दिखाया हो, बट आई हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। मैंने पिछली वीडियो से रिस्क लेके रखी ज़रूर है चैनल पे, बट यू नेवर नो वो कब उड़ जाए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।